हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फटाफट बनने वाला नाश्ता, जिसके लिए हमने ये 5 आलू उबले हुए हैं। इनको हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू मैंने मैश कर लिए हैं, इसको मैं बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 3 ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया था। इस ब्रेड क्रम्स को भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने फ्रेश व्हाइट ब्रेड के क्रम्स बना लिए थे इसकी बाइंडिंग के लिए और क्रिस्पीनेस के लिए। हम इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कलर के लिए हल्का सा डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इस सभी को हम एक डो की तरह बना लेंगे। ऐसे नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। ये हमारा डो जैसा बन गया है। अब हम हल्का सा हाथ में लगाएंगे ऑयल और इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे जिससे चिपके ना। अब हम इसे शेप दे देंगे। आप इसे कुछ भी शेप दे सकते हैं, राउंड में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे चकोर शेप देकर सैंडविच वाली शेप दूंगी। अब हम इन्हें शेप देंगे। इस तरीके की शेप हम इन्हें देंगे। शेप हमने कट कर ली है। अब इन सबको हम इस तरीके से एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए सभी पीस हमने ऐसे कट कर लिए और ये बहुत फटाफट बनने वाला नाश्ता है। इधर मैंने तेल गर्म होने रख दिया था, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। जिसमें इतने आएंगे उतने ही मैं इसमें डालूंगी और जब तक ये सिक कर ऊपर नहीं आते तब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से अपने सारे सैंडविचेस सेक लेंगे। देखिए हमारा फटाफट बनने वाला नाश्ता बन गया है, आलू ब्रेड का। और ये इतना अच्छा और क्रिस्पी नाश्ता बना है और फटाफट बन जाता है। एक बार बना के जरूर देखिए और इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ ट्राई कीजिए। और इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। राधे राधे जी, धन्यवाद।